कांग्रेस की आवाज़ में। रतलाम में देर शाम अचानक मौसम बदला और 7:30 बजे जोरदार तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही ओले भी गिरने से बाजार में भगदड़ मच गई। लोगों ने अचानक हुई बारिश से अपने आप को बचाने के लिए कहीं त्रिपाल तो कहीं टीन शेड के नीचे आसरा लिया, लेकिन बारिश के साथ गिरे ओले इतने बड़े थे कि टीन के शेड पर गिरने से हुई आवाज़ में घबराहट होने लगी और त्रिपाल फट गए। 20 मिनट तक तेज बारिश, बता दें कि 20 मिनट तेज हुई बारिश में ओले गिरे, लेकिन गिरने वाले बर्फ के टुकड़ों की साइज भी सामान्य से काफ़ी बड़ा था, जिससे सड़क और लोगों में भगदड़ मच गई। सड़क किनारे खड़ी कारों के वाइपर पर बर्फ का ढेर जमा हो गया। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। काफ़ी देर तक कई इलाकों में अंधेरा छाया रहा। इस बारिश में ओले गिरने और बारिश के साथ एक बार फिर ठंड बढ़ गई और लोग घरों में दुबक गए। फिलहाल इस बारिश और इसमें गिरे ओले से कहां कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। नीमच में भी हुई तेज बारिश, वही मध्य प्रदेश के नीमच में आज शाम अचानक से हुई बारिश ने अफीम किसानों की चिंता को बढ़ा दी। दरअसल पिछले दिनों से बारिश का दौर जारी है, ऐसे में आज अचानक से जिले के बनासा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के चलते अफीम की फसल बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि की वजह से अफीम के पौधे खराब हो गए। गौरतलब है कि अफीम का लाइसेंस केंद्र सरकार के द्वारा अफीम किसानों को दिया जाता है। अफीम निकलने के बाद नार कोटिस विभाग द्वारा किसानों से एक एक ग्राम का हिसाब लिया जाता है। यदि अफीम कम पाई जाती है तो किसानों का लाइसेंस नारकोटिक्स विभाग द्वारा रद्द कर दिया जाता है। को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अंग्रेज की आवाज़ के साथ।